अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। और आज तुम सामने खड़ी होकर इस तरह से अपने बाबा पर धोखे के इल्जाम में उंगली उठा रही हो, बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता मुझसे। नासिर, ओस कबाइल का अहम इजलास बुलाया है उसने। वो तुर्कों को शहजादा नुमान से इत्तेहाद करने पर कायल करेगा और सलजुक सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाएगा। सरदार की बीवी से इस लहजे में बात करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? लगता है इसको इसकी औकात याद दिलाना पड़ेगी। अगर तुम गद्दार ना होते तो यहाँ पनाह न लेते, हलब में अपना मनसब संभाल रहे होते। अब रास्ता छोड़ो मेरा, सुलेमान शाह से बात करनी है मुझे। अगर उसने बात नहीं मानी तो फिर ज़बानें नहीं तलवारें बोलेंगी। पहले आदाब गुफ्तगू सीखो कमांडर। जिस शख्स को बूढ़ा कहा है तुमने, वो तुम्हारे जैसे कितनों का सर कलम कर चुका है। एक और सर कलम करने में देर नहीं लगेगी मुझे। हद में रहो अपनी। अल अजीज से कह देना कि वो गलती से भी हमारी तरफ मैली निकासी ना देखे। सुल्तान अलाउद्दीन के इशारे पर सुलेमान शाह जान भी दे सकता है, अल अजीज को यहां से खैरात भी नहीं मिलेगी और ना ही हमारा कबीला तुम्हारी ये जमीन छोड़ेगा। कोई शर्त नहीं मानेंगे हम, जा सकते हो तुम। अच्छा नहीं कर रहे तुम, पछताओगे। सुलेमान, याद रखना ये बात कि तुम्हारा सर मेरे हाथों से ही कलम होगा। कमांडर, मैदान जंग में जब हमारा आमना सामना होगा तो अल्लाह जानता है कि कौन किसका सर कलम करेगा। दफा हो जाओ। अब हम क्या करेंगे सरदार? अर्तुरुल और गुंदूकदू का इंतजार करेंगे हम, क्योंकि इस वक्त अल अजीज की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे वही उतार सकते हैं। अब यही एक रास्ता है। मनहूस औरत, जो कहना चाहती हो खुल कर कहो। बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से। ख्याल करो अपने उम्मीद से होने का। अगर मैं उम्मीद से ना होती तो जान से मार डालती तुम। आज देखती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो। सलजान, चली जाओ यहाँ से वरना बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा हा? क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा, बताओ मुझे। औकात याद दिलाएगी मुझे, मेरी औकात याद दिलाएगी? हाँ बोलो, कहाँ से आई थी मैं और कहाँ पहुँच गई? बोलती क्यों नहीं हो? हाँ चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं डरपोक? जो कहना है मेरे मुंह पर कहो, पीठ पीछे क्यों बकवास करती हो? ऐसे मुझे घूर घूर के क्या देख रही हो? हाँ तुम भी अपने बड़ों की तरह मुझे मार डालना चाहती हो ना?
जैसे मेरे बाबा को सुलेमान शाह और दमीर ने सफाकी और बेरहमी से तड़पाकर मार डाला था। सुना तुमने? मुझ पर अगर आइंदा तुमने हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे। हाँ, आ, 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 सुलजान, 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 ठीक हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या हो गया मुझसे? सिपाहियों को भी आ जाएगा। बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए ईमान की ताकत चाहिए होती है। ईमान की ताकत को उतार फेंकेंगे हम, जैसे हमने इसका जंगी लिबास उतार कर अपना सलीबी लिबास पहनाया है, वैसे ही इसका ईमान उतार फेंकेंगे। कई लोग अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। आफरीन यहूदा। चलो आ जाओ यहूदा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मानना पड़ेगा इसे तुमने बिल्कुल सही काम पर लगाया हुआ है पेट्रुशियो, सही इस्तेमाल कर रहे हो इसका। नोमान ने तुर्कों को सलजोक से बगावत पर आमादा करने के लिए बुलावा भेजा है। ये तो होना ही था। कौन सी जगह बुलाया है? यह नहीं बताया उसने। यानी अब शहजादा नोमान भी नासिर के हाथ का मारा है। अलाउद्दीन यह खबर सुनने के बाद रुकेगा नहीं, हलब पर बिला तरद्दुद हमला कर देगा। बहुत खूनरेजी होगी अफसिन, और इसका सबसे ज्यादा फायदा सलेबियों को होगा। मंगोल भी तैयार बैठे हैं।
जनाब सुलेमान शाह, मेरी वजह से कबीले को नुकसान हो सकता है, मैं खुद गिरफ्तारी दे देता हूं। हमारे असूलों में मेहमानों को दुश्मन के हवाले नहीं किया जाता। ऐलाने जंग हो चुका, अब हार और जीत का फैसला मैदान जंग में ही होगा। उनका लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर है, हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। याद रखना, जंगें जज्बाए ईमान से जीती जाती हैं कुर्दुकलो। जी मैं समझ गया। अगर समझ गए तो तुम्हें दुश्मन के लश्कर से मरूब होने के बजाय जंग के लिए हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। उनके लश्कर में आपके कुछ वफादार मौजूद हैं? मुझ पर एतमाद करने वाला सालार ही मुझे गद्दार समझता है। अगर आप कहें तो दुश्मन की तरफ जाकर उनकी हिकमत अमली का जायजा लेता हूं मैं। तीरंदाज कितने हैं, प्यादा फौज कितनी है, ताकि उसी लिहाज से तैयारी करें हम, क्योंकि हमें मालूमात होनी चाहिए दुश्मन के बारे में। अपने भरोसे के सिपाही साथ लेकर जाना। सरदार मैं चाहूंगा कि अकेला ही जाऊं वहां भेस बदल कर। अंदर जाओ खेमे में। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शैतान को भी पीछे छोड़ दिया, इसकी फितना अंगेजियों से तो शैतान भी पना मांगता होगा। बेटा क्या हो गया? हाय महानम, वो बाजी। कुछ बताती क्यों नहीं हो गोक्षे? बाजी ने अपना बच्चा खो दिया। आदमी कुर्दोगलू जो सुलेमान शाह का भाई है, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं,
मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है उसने। बहुत अच्छी बात है पेट्रुशियो, जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगा। और हाँ, क्या नासिर ने कबीले वालों को घेर लिया है? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई भी जल्द हो जाएगी। आगे क्या सोचा है? सब कुछ यरूशलम के लिए ही तो कर रहे हैं थॉमस। थॉमस से कुछ याद आया मुझे, पापाए आजम बनने के बाद जो नाम मिलने वाला है। क्या वो नाम पता है आपको? पेट्रुशियो, मैं अपना नाम लियो रखना चाहूंगा। कौन से वाले लियो की बात कर रहे हैं? दसवां पादरी लियो। मगर लियो ही क्यों? उसने शहंशाह इतालिया को यूरोप में पेश कदमी से रोक लिया था, उसी कारनामे की याद में ये नाम मुझे अजीज है। हमारा दसवां पादरी लियो। इस बात पर तो जश्न होना चाहिए, क्या कहते हैं? क्यों नहीं, बल्कि बेहतर होगा मैं अपना नाम शराब का खुदा डियोनिसस रख लूं। पहला पादरी डियोनिसस। पहला पादरी डियोनिसस। मेरे सरदार, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अल्लाह जानता है कि बेकसूर हूं मैं। सलजान तो खुद झगड़ा करने आई थी मुझसे वहां। सलजान, आइकस का कहना है कि वो बेकसूर है। ऐसी सूरत में कोई सजा नहीं बनती, मगर तुम जो चाहो सजा दे सकती हो इसे। कोई भी सजा दुनिया में ऐसी नहीं जो मेरा गम कम कर सके। मैं चाहती हूं कि इसे कोड़े मारे जाए। जिस कर्ब और तकलीफ से मैं गुजरी हूं, मैं चाहती हूं कि इसे भी उसी तरह उस तकलीफ का एहसास हो जो तकलीफ मुझे हुई है। कानून के मुताबिक तुम्हें 30 कोड़ों की सजा सुनाई जाती है। तुम्हें अपने दिफा में कुछ कहना है? सरदार, इधर आओ। भतीजे के लिए उसके चाचा की तरफ से तोहफा। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह हम भी जल्द तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे। इंशाल्लाह
कुछ खबर मिली क्या भाई? हाँ, सलजूक सल्तनत का तख्ता उलटने के लिए तुर्क कबाइल शहजादा नोमान का साथ देंगे। यानी कारा तो अगर सही खबर लाया था, शहजादा नोमान अगर नासिर के जाल में ना फंसते तो तुर्कों का यह गठजोड़ मुमकिन नहीं था। मतलब नोमान सलजूक का दावेदार है। तो अब हम क्या करेंगे? हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे दुहान, चाहे कुछ भी करना पड़े शहजादे नोमान को निकालना होगा वहां से। यही एक रास्ता है। हलब के साथ अपने कबीले को भी बचाना होगा। यह मामला भी कहीं अफ्तालिया की तरह अंजाम को ना पहुंचे। चलते हैं। आपकी वजह से छोटे शहजादे को बचा लिया हमने और शहजादी से निकाह की राह भी हमवार हो गई। सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है अमीर मौसम। अगर उसकी रजामंदी ना हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं। बेशक, लेकिन कमांडर को काई कबीले पर हमले से रोकना मेरे ख्याल में सही फैसला साबित नहीं हुआ। आने वाले दिनों में बाजी किसी भी सिमत पलट सकती है। उन्हें आखिरी मौका दिया है। तुम तो जानते हो मैं मुसलमान कबाइल के खिलाफ जंग करने से एहतियात बरतता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन लेकिन तुम तुर्कों से बातचीत करके इसका हल सोचो। कल शहजादी से मेरा निकाह है। माशाल्लाह। निकाह के बाद कुछ वक्त शिकारगाह में गुजारूंगा और कुछ वक्त अपनी शायरी को दूंगा। रियासती मामला थका देते हैं। वापस आने पर हम तुर्कों के साथ इस मामले को सुलझा लेंगे। जैसा आपका हुक्म अमीर मौसम। जिस तरह आपने ये जिम्मेदारियां संभाली हैं, अगर कोई और होता तो टूट चुका होता। अस्तग़फिरुल्लाह। जान खातून, उदास ना हो आप। अल्लाह आपको औलाद की खुशियां दिखाए। आमीन फातिमा, आमीन। अंदर आ सकता हूं सलजान खातून? आ जाओ कुर्दोगलू। मुझे बहुत अफसोस हुआ। औलाद का गम मुझसे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। मंगोलों ने मेरे बीवी बच्चों को शहीद कर दिया था बहुत बेदर्दी से। इसलिए जंगो जदल से भागना चाहता हूं मैं। अल्लाह औलाद का गम न दिखाए किसी भी इंसान को, क्योंकि औलाद का गम कमर तोड़ कर रख देता है मां बाप की। यानी तुम किसी को मार कर उसके मां बाप को दुख नहीं दे सकते गुर्दोगलो? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कब्र में पैर लटकाए बैठा हूं सलजान खातून। खिदमत करना चाहता हूं अपने कबीले की, गुंदोगदू को हक दिलाना चाहता हूं। इसलिए सलीबियों से मदद लेने जा रहा हूं मैं। अगर वहां से मदद न मिली और हम अल अजीज के खिलाफ कुछ भी ना कर सके तो सुलेमान शाह का, अर्तुरुल का और शाहबुद्दीन का
जिंदा रहना मुश्किल कर दूंगा। उनकी अपने हाथों से जान लूंगा। अब मैं चलता हूं। तुम ही मेरी औलाद के असल कातिल हो गुर्दोगलों, और ये बात मैं भूल नहीं सकती कभी भी, कभी नहीं। सारे गम मेरे ही नसीब में लिखे हैं बाबा। तुरकुत की जुदाई का गम क्या कम था जो अब सरदार के पोते की मौत का इल्जाम भी लग गया मुझ पर। किसी को मैंने कभी कोई दुख नहीं दिया बाबा, फिर ना जाने क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस दुआ करो अपने लिए उस अल्लाह से जिसने हजरत इब्राहिम को आग से बचाया, वो तुम्हारी मदद करेगा। मेरी बच्ची, मुश्किलात के ये दिन भी जल्द गुजर जाएंगे और तुम्हारे दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहादुर है ना मेरी बच्ची, सब्र करना है तुम्हें, सब्र। एक मोमिन खुदा की रहमत से मायूस नहीं होता है कभी। हाँ, का टुकड़ा हो तुम नन्हे शहजादे, हो मेरी जान तुम, तू मेरी जिंदगी, मेरे दिल का करार हो तुम, जान हो माँ की। ए मेरे प्यारे फरिश्ते, तू मेरे जान है। मेरी बच्ची, अल्लाह सब्र दे तुम्हें। औलाद का गम बहुत संगीन होता है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हारे इस गम को आखिरत में तुम्हारी शिफात का जरिया बनाएगा। एक अरसे से मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं आपको और बाबा को खानदान का वारिस दे सकूं वालिदा। अब मैं गुंडों को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे उसे बताऊंगी कि उसका बच्चा चला गया है। सलजान मेरी बेटी, हिम्मत रखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और ना ही आयकिस का कोई कसूर है। सब अल्लाह की मर्जी है, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। गुंडोगदू जरूर समझेगा इस बात को। उस मनहूस लड़की ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, तुरकत की जुदाई में उसने मेरा बच्चा ही मार डाला। आयकस अपने सरदार के खानदान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम क्यों उस पर इल्जाम लगा रही हो सिलजान? रहम करो उस बेचारी पे, कोड़ों की सजा बहुत सख्त होती है। तुम दिली दमीर के बुढ़ापे का ही कुछ ख्याल कर लो। तुम अगर उस पर रहम करोगी तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ अपने जिगर के टुकड़े का गम मना रही हूँ
और आप मुझसे उस नाजान लड़की के लिए रहम की भीख मांग रही है। क्या करूं मैं? शहजादे जी हुकुम अमीर मौसम। शहजादी से निकाह के तोहफे का वादा पूरा हो चुका है और काई कबीले को दी गई मोहलत में भी हमने इजाफा कर दिया है। अमीर का मुकाम बुलंद हो। आपकी सखावत का शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। निकाह के बाद हम दोनों शिकारगाह में रहेंगे। हमने दो कनीजें आपकी खिदमत के लिए मुकरर कर दी हैं। आइंदा से आपका तमाम काम वो करेंगी। यही दुआ रही मेरी कि हमारा कबीला हमेशा आफियत से रहे, मगर मौत ने शायद मेरे ही घर का रास्ता देख लिया है। आंखें पहले ही नम थी सुंगर तकिन के इंतजार में और अब ये धुंधार का गम मेरा अर्तुरल कुंदोक दू सब बिखर गए हैं। मालूम नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। पोते को देखने का ख्वाब ताबीर होने से पहले ही टूट गया और हम उसकी खुशबू भी ना पा सके। पूरी जिंदगी गुजर गई हमारी, कब खत्म होगा ये सब? रहमत और सहमत दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। औलाद का दुख और खुशी भी उसी की तरफ से है, यही हकीकत है। हमें उसकी रजा में राजी रहना चाहिए और नेमतों का शुक्र करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है? ये तो दुर्गा कबीले के सरदार हैं कुरकुत, और रिश्ते में बिरादरी नस्बत ही हैं सुलेमान शाह के। अस्सलाम वालेकुम कुरकुत भाई, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। तुर्कों के मोहसिन अल अजीज ने दरख्वास्त की थी, इसलिए रद्द नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर खुशी हुई। तशरीफ रखिए।
क्या कसूर किया था इसने? बुरा हुआ बेचारी के साथ, अल्लाह इसको सब्र दे। यहाँ से आप सीधा जाएं, वहां आपको हलीमा खातून की खाबगा नजर आएगी। मेरा नाम ना आए इसमें। खूबसूरत लग रही हो। बाहर जाओ लड़कियों। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और अपनी तमाम नेमतों से तुम्हें नवाजे। किस तरह खुश रहने की दुआ दे सकते हैं आप मुझे बाबा, जबकि आप तो जिंदा दरकोर कर रहे हैं अपने हाथों से मुझे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है, कफन साबित होगा। क्या आप नौमान अफंदी की साहबजादी हलीमा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। मुझे भी दुश्मन समझते हैं। ऐसा मत समझो तुम, जो हमारे साथ मिलना चाहे उसे हम गले से लगाते हैं। अफ्तालिया टाइटस